हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सांभर की रेसिपी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेगा। सो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। सांभर को बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम अरहर की दाल ली हुई है, और इसे हम अच्छे से 2 से 3 पानी धो लेंगे। और ये टोटल 6 से 8 लोगों के लिए बनेगा सांभर हमारा। दाल को मैंने 3 पानी अच्छे से धो लिया है, और अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके इसे साइड में रख देंगे सोख होने के लिए। दाल को बनाने से पहले इसे 30 मिनट्स के लिए आप भिगो देंगे तो दाल आपका बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। 30 मिनट्स के बाद दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे, और अब इसमें मैंने 3 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम 3 बड़े मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, और कवर करके 3 सीटी लगने तक इसे पका लेंगे। सांभर के लिए दाल जब तक पक रहा है तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने सब्जियों को छीलकर अच्छे से धोकर और काट लिया है। यहाँ पर सांभर के लिए मैंने सहजन, कद्दू, लौकी, बैंगन, गाजर और बीन्स लिया है। इन्हें अच्छे से धोने के बाद मैंने छिलके उतार लिए हैं और मीडियम साइज के कट कर लिए हैं। सब्जियां आप वही ले जो आपको पसंद है, या आप सब्जियां कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो आपके पास सब्जी है आप वही यूज करें। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, और तड़के में मैंने राई, मेथी दाना राई जब थोड़ा सा चटकने लगे तो अब इसमें डालेंगे हम लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई बारीक, और प्याज स्लाइस में कटे हुए। सांभर इडली वड़ा या डोसा के साथ मोस्टली खाया जाता है, लेकिन घर पर जब हम बनाते हैं तो ज़्यादा बन जाता है। तो आप इसे चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है चावल के साथ भी। और यहाँ पर मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ता लिया है, और इसे भी हम प्याज के साथ 10 से 12 सेकंड फ्राई कर लेंगे। और प्याज हमारा हाफ फ्राई हो चुका है, बस इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। और यहीं पर मैंने 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहीं पर अब हम सहजन और गाजर को डालकर फ्राई कर लेंगे। सहजन और गाजर थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इससे पहले ही 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं गाजर सहजन को फ्राई करते हुए, तो अब बाकी की सब्जियाँ हम इसमें डालकर इन्हें भी 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। सांभर के लिए मैंने सब्जियां वही लिए हैं जो मोस्टली सांभर में यूज होती हैं। तो सब्जियों को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है 4 मिनट। तो अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो सबसे पहले मैंने नमक लिया है स्वादानुसार। नमक डालने के बाद अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे चलाते हुए, और नमक हमने पहले भी दाल में यूज किया है, तो नमक आप सावधानी से डालें। और अब इसमें हम डालेंगे सांभर मसाला। तो मेरा ये होममेड सांभर मसाला है, इसकी रेसिपी मैं अपने आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। आप मार्केट का भी सांभर मसाला ले सकते हैं। तो 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने सांभर मसाला डाल दिया है, और मसाले को 1 मिनट तक सब्जियों के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि फ्लेवर इनका अच्छे से चला जाए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 कप गरम पानी ऐड कर दिया है सब्जियों में, और इसे अब हम कवर करके 6 से 8 मिनट तक पका लेंगे। सब्जियां हमारी पक रही हैं, तो जब तक दाल को देख लेते हैं। तो दाल 3 सीटी लगने के बाद इस तरीके से है, तो इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 सीटी लगाने के बाद दाल बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अगर आपका दाल अच्छे से नहीं पका हो तो सीटी एक और लगा सकते हैं, लेकिन अगर दाल को 15 से 20 मिनट पहले से ही भिगो के रख देंगे तो दाल आपका 3 सीटी में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो अब 8 मिनट हो चुके हैं, तो सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं। सब्जियों को मैंने लो फ्लेम पे 8 मिनट तक के लिए पका लिया है, और सब्जियां काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। इसे हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्ड इसमें सहजन है, तो सहजन को ही लेकर मैंने ऐसे स्पैचुला से मैश किया, ये इजिली मैश हो रहा है। और अगर आपको सांभर में सब्जियों का चंक्स पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर स्पैचुला से सब्जियों को हल्का मैश कर लें। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच इमली का पानी ऐड किया है। इमली को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दें, उसके बाद
उसके पानी को इसमें यूज करें। अगर आपके पास इमली नहीं है तो उसकी जगह आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे अपने उबले हुए दाल को। उबले हुए दाल को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे गुड़। तो गुड़ मैंने कद्दूकस करके लिया है 1 चम्मच। गुड़ और इमली के पानी का टेस्ट सांभर में बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो अब 5 मिनट इसे और पकाएंगे। तो इससे पहले हम इसमें तड़का दे देते हैं। तो तड़के के लिए मैंने पैन लिया है। तो पैन में 2 बड़े चम्मच घी लिया है। आप इसकी जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं। घी के गर्म होने के बाद 4 से 5 सूखी लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे। हींग और फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। और लास्ट में कड़ी पत्ता। तड़के को अब डालेंगे सांभर में। और तड़का डालने के बाद सांभर में इसे और 3 मिनट पका लेंगे, जिससे टेस्ट और बढ़ जाएगा सांभर का। तो सांभर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और सांभर की थिकनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे और ज़्यादा थिक या और ज़्यादा पतला रख सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये इतना ही रहता है। फाइनली सांभर हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसे मैंने इडली के साथ बनाया था। तो इडली की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से ही है। और आप इसे इडली वड़ा या डोसा के साथ खा सकते हैं। और इसे आप चावल के साथ भी ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो और रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।